हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी की मिठाई। जब आप इसे खाएंगे तो आपको इसमें गुलाब जामुन और केक दोनों चीजों का टेस्ट आएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट एंड फोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले एक मिक्सर जार में डाल देंगे 1 कप सूजी। आप चाहें तो इसको कटोरी से नाप कर भी ले सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची। सभी चीजों को बारीक पीस लेंगे और फिर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हमें बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा मिठाई के लिए प्रीमिक्स तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और जब भी आपका मिठाई बनाने का मन हो तो आप फटाफट से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे। तो ये मैंने 1 कप दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसे हमें इतना गाढ़ा रखना है। अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, तब तक हम बाकी की चीजें रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने एक केक टिन ले लिया है और इसमें ये बटर पेपर लगा दिया। इसमें इस मिक्सचर को निकाल देंगे। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी थोड़े से बड़े किनारों वाली कोई थाली ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं और उसे पहले आप ग्रीस कर लें और फिर उसमें इस मिक्सचर को डाल दें। इसे हल्का सा टैप कर देंगे। अब कोई भी मोटी तली का बर्तन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब इस पे एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं। फिर इसमें इस केक टिन को रख देंगे और इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। 25 मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो किसी नाइट से चेक कर सकते हैं या इस तरीके से टूथपिक से इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए एकदम क्लीन है, इसका मतलब जो ये हमारी मिठाई है, जो हमारा केक है, वो बेक हो गया है। अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके किनारे अलग कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से टैप करके निकाल लेंगे। अब इसको बीच में से कट कर लेंगे। जो भी शेप आपको पसंद हो उसमें आप इसे काट सकते हैं। ऐसे कट करने के बाद अब इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देंगे। तो अब 1/2 कप चीनी के अंदर 1/2 कप पानी डालकर उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें और फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको गार्निश करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सूजी की मिठाई बनके तैयार है। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर से बना के ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। खाने में जो इसका टेस्ट है वो केक और गुलाब जामुन जैसा मिक्सर टेस्ट आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।